Hello everyone, this is Abhigyan Singh and you are warmly welcome to your own channel Abhigyan Se Gyan. Friends, in part 4 we will talk about how to care of our eye and about Braille-System. Okay friends, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाउ टू केयर ऑफ आवर आई. फ्रेंड्स, ये हमारा जो आंख है ये बहुत ज्यादा बहुत ही कीमती है. इसके बिना ये दुनिया हमारे लिए बिल्कुल नीरस और बेकार है. ठीक है, अगर हम चीजों को देख नहीं पाते हैं तो हमारा जीना, हमारी सर्वाइवल ऑफ लाइफ बेहद ही डिफिकल्ट हो जाएगी. तो इसलिए हमारा ये ड्यूटी है कि हम अपने इस वंडरफुल ब्यूटीफुल आईज को बचा के रखें, सिक्योर रखें, हेल्दी रखें. तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने आई को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स हैं. ठीक है, कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स जिसके थ्रू हम अपने आई को हेल्दी रख सकते हैं. तो सबसे पहला, आपने सुना है ना, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना. तो अगर सबसे बेहतर तरीका है कि हम हेल्दी डाइट लें, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि केयर ऑफ आईज में सबसे मेरा मेन और पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट. क्या बोल सकते हो, बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट वी कैन केयर ऑफ आवर आई. वी नीड our eye also need a proper a sufficient source of vitamins. हमारा आंख अच्छे से तब काम करेगा जब इसे अच्छे से proper amount of vitamins मिलते रहे, vitamins A. ठीक है, तभी से ये अच्छा काम करता है. सुने हो ना, विटामिन ए अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लैकनेस ऑफ विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. तो विटामिन के लिए आप सबको पता है ना क्या ले सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा फल खाएं, तो हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स मिलते हैं और इस तरह से हमारा आई हेल्दी रह पाता है. अगर दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़े तो क्या लिखा है, नेवर रब आईज, मतलब हमें अपने आईज को कभी भी रब नहीं करना चाहिए. ठीक है, इससे क्या होगा, हो सकता है कि अगर हम अपने आई को रब करें तो इसके सेंस ऑर्गेन्स, ये सॉरी जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो हार्म हो जाए, उनको कोई नुकसान आ जाए. ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने आई को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसमें कीड़े इंटर कर जाते हैं या फिर धूल कण चले जाते हैं जिससे जलन होती है, तो हम अपनी आंखों को रब कर देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे आईज में डस्ट इंटर कर गया है तो हमें क्लीन वाटर से, साफ सुथरे पानी से उसको धो लेना चाहिए. अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, ना कि उसको रगड़ना चाहिए. ठीक है, यानी हमें कभी भी अपने आईज को रब नहीं करना चाहिए. थर्ड टॉपिक क्या है, टू मच एंड टू लिटिल आईज, टू लिटिल लाइट इज ऑल्सो बैड टू अवर आई. ठीक है, जैसे मैंने पिछले ही अपने पार्ट 4 वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारे आईज में बहुत ज्यादा अगर लाइट इंटर कर जाता है तो उससे क्या होगा, हमारे ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, डेड कर सकते हैं वो. ठीक है, तो फिर हमारा जो सेंसेशन विजन है वो खत्म, बर्बाद हो जाएगा. तो हमारे लिए ज्यादा लाइट भी हमारे आईज में इंटर करना हमारे लिए नुकसानदायक, और इसीलिए वी आर एडवाइज नॉट टू डायरेक्टली सी ऑन द सन. इसलिए बोला जाता है ना कि सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखनी चाहिए, कोई भी सन ही नहीं, कोई भी अगर बहुत ज्यादा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है तो उसमें हमें डायरेक्टली नहीं देखनी चाहिए. ठीक है, वो हमारे आईज को डैमेज कर सकते हैं. वहीं दूसरा भी कंडीशन है कि अगर लाइट बहुत ज्यादा कम है तो भी हमें किसी चीज को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उससे क्या होगा कि अगर हमारे आईज को प्रॉपर यानी सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिलता है तो उससे हमारे आईज ऑप्टिकल नर्व्स हैं उनमें स्ट्रेन आ जाता है, तनाव आ जाती है और फिर हेडेक हो सकता है. ठीक है,
शुरू शुरू में तो ऐसा होगा कि सर दर्द करने लगेगा अगर हम अनसफिशियंट लाइट में पढ़ते हैं तो, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे आईज के जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो भी काम करना अच्छे ढंग से बंद कर देंगे और फिर हम ब्लाइंडनेस की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, आंख खराब हो सकती है हमारी, इसीलिए ना ज्यादा कम लाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा, दोनों ही हमारे लिए डेंजरस है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट में हमेशा स्टडी करनी चाहिए। और एक चीज और, सफिशियंट अमाउंट जो लाइट हमारे आईज में इंटर करेगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम चीजों को कितना पास या कितना दूर रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आई हेल्दी रहे तो ये भी एक कंडीशन है कि हम कम से कम चीजों को 25 सेंटीमीटर से दूरी पर ही रख के पढ़ें, यानी एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपके और जो भी बुक है, न्यूज़पेपर, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका एक परफेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारे आईज पे स्ट्रेन, ऑप्टिकल जो नर्व्स हमारा उस पे स्ट्रेन ना बढ़े, तनाव ना बढ़े और अच्छे से हमारा आईज काम करता रहे। लास्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ टॉपिक ये है आई केयर के लिए कि वी शुड यूज स्पेक्टिकल्स इफ डॉक्टर्स एडवाइज अस, हमें चश्मे का भी यूज करना चाहिए अगर डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं आईज को हेल्दी रखने के लिए कि चश्मा यूज करो, तो हमें बिल्कुल भी कोई भी हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए और चश्मे का यूज करना चाहिए। ठीक है, वो भी हमें हमारी मदद कर सकते हैं हमारे आईज को ज्यादा टाइम तक हेल्दी रखने में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे ब्रेली सिस्टम की तरफ, तब तक मैं समझा दूं थोड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेली सिस्टम के बारे में जानते हैं। क्या है ब्रेली सिस्टम पता है आपको? ब्रेली सिस्टम जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके स्टडी के लिए ये डेवलप किया हुआ एक सिस्टम है, जिसको कब अडॉप्ट किया गया था, इसको हमने अडॉप्ट किया था, जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट किया गया था प्रेजेंट सिस्टम को 1932 में। ठीक है, हमने जो प्रेजेंट हमारा ब्रेली सिस्टम है उसको कब हमने अडॉप्ट किया था, 1932 में। और ये किस लिए है, तो जो ब्लाइंड पर्सन है जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया ताकि वो भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं चीजों को। ये किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, जो ब्रेली सिस्टम है हमारा वो जैसे आप जानते हो लुईस ब्रेली के द्वारा दिया गया था, लुईस ब्रेल के द्वारा। कौन थे लुईस ब्रेल? लुईस ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के लुईस ब्रेल, फ्रांस के पेरिस शहर के थे। और आपको एक बात बता दें, लुईस ब्रेल खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन थे। इनकी एक बहुत ही मजेदार कहानी है, ये बाई बर्थ फ्रेंड्स जो लुईस ब्रेल थे वे बाई बर्थ ब्लाइंड नहीं थे, बल्कि वो जब लगभग 3-4 साल की उम्र में थे, 3 साल की उम्र में तभी क्या हुआ था, उनके आईज में नाइफ से क्या हुआ था, उनके आईज में खेलते हुए बहुत ही शरारती इंसान थे जिसके कारण उनके आईज में चाकू चुभ गया था या कोई नुकीला पदार्थ चुभ गया था। उसके बाद क्या हुआ, उनके आईज में वो नुकीला पदार्थ चुभने के कारण वो इन्फेक्शन होना शुरू हुआ और आगे चल के इलाज के दौरान ही उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हम जब भी खेल रहे हों तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज हमारे आईज में ना चुभे, हमें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो लुईस ब्रेल जब 3 साल के थे उसी टाइम उनकी क्या हुई, आंखों में नाइफ चुभ गई जिसके कारण इन्फेक्शन के कारण उनकी आंखों की रोशनी सदा के लिए चली गई, बस वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने वो क्योंकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, उन्हें पढ़ने की इच्छा जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जो मेरी तरह के ही लोग हैं यानी ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वो भी पढ़ सकें। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया। ठीक है, और जिसको उन्होंने कब ये पब्लिश किया था, 1821 में। ठीक है, 1821 में वो क्या किए, जो सिस्टम ब्रेली सिस्टम बनाया था उसको पल्वराइज किया। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके जिंदा रहते ये सिस्टम हमारे द्वारा
इस वर्ल्ड के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया और इनके डेथ के बहुत दिनों बाद ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया। जब तक ये जिंदा थे तब तक ये सिस्टम हमारे द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया था। अब इस सिस्टम में होता क्या है, तो इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया, 6 डॉट्स का हेल्प लिया। याद रखना है आपको कितने तरह के डॉट्स होते हैं, तो ये क्या होता है कि 6 डॉट्स होते थे, ठीक है, ऐसे 6 डॉट्स इस सिस्टम को बनाने में इस तरह से, याद रखना है आपको ऐसे वर्टिकल ही, ऐसे सिर्फ हमेशा ही ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 6 डॉट्स हमेशा इसी तरह के सेफ के होते हैं 6 डॉट्स, ठीक है, और वो डॉट्स पेज पे होंगे, पेपर पे होंगे, और उनमें क्या होगा, रेज पॉइंट होंगे, ठीक है, और उसी रेज पॉइंट को जब कोई ब्लाइंड पर्सन टच करता है तो इन 6 डॉट्स में जो रेज्ड हुआ होगा उसी से उनको पता चल जाता था कि ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है। जैसे मान लो, मैंने एक एग्जांपल्स के लिए आपको बता दें, मान लो ये 6 डॉट्स होंगे, ठीक है, याद रखना है ब्रेली सिस्टम में डॉट्स कितने यूज किए जाते हैं, 6। इसमें जब वो क्या किया जाएगा, मान लो यहां से इस वाले पॉइंट को हमने रेज कर दिया, यानी इसमें उभार डाल दिया पेज के ऊपर, और जब कोई ब्लाइंड पर्सन इसको टच करेगा, पहले 6 पॉइंट्स टच किया, फिर देखेगा कि हाँ ये वाला पोर्शन रेज्ड है, तो इससे उसको पता चल पाता है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का ए है, ठीक है। इसी तरीके से वो अलग अलग लेटर्स के लिए अलग अलग पैटर्न बनाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर कोई लेटर ऐसे बना हुआ है कि ये दोनों के दोनों जो ऊपर वाले टॉप वाले दोनों के पॉइंट रेज हैं, ऐसे वो टच किया और उसको लगा कि हाँ ये दोनों पॉइंट रेज है, उसके नीचे के चारों विदाउट रेज हैं, ऐसे ही, तो इस वाले को उसको क्या नाम देगा, बी। ऐसे ही मान लो कुछ और लेटर्स के बारे में बता दूं, मान लो उसके ये तीनों इस तरह से पैटर्न को अरेंज किया गया, ठीक है, इस तरह से पैटर्न को अरेंज किया गया, और इस तरह के जो पैटर्न अरेंज किए तो अब टच किया, इस तरह के पैटर्न अगर ऐसा कोई उनमें पैटर्न बना हुआ है इस सिस्टम में, तो उसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग, एल, ठीक है, इस तरह के एल पढ़ते हैं। अगर और टोटल इस तरह से देखो, मैंने कितने पैटर्न्स, ये तो क्लियर है कि 6 डॉट्स का यूज करते हैं, और इस तरह से देखो मैंने कितने तरह से इसको अरेंज किया, इन पैटर्न्स को 3 तरीके से किया है ना, इसी तरीके से डिजिट्स और लेटर जितने भी थे, सिंबल पंक्चुएशन जो भी थे, उन सबको मिला करके लुईस ब्रेली ने क्या किया था, उसको 63 टाइप्स, 63 पैटर्न्स, याद रखते हैं आपको टोटल कितना पैटर्न्स बनाया था, 63 पैटर्न्स यूज किया था उन्होंने, और इस तरीके से 63 पैटर्न्स यूज करके उन्होंने पूरे लेटर्स, पूरे डिजिट्स और सिंबल्स पंक्चुएशन मार्क्स जो भी थे सारी चीजें बनाई थी। यानी सिर्फ इन 63 पैटर्न्स के मदद से ही कोई भी ब्लाइंड पर्सन आसानी से अपनी स्टडी को, अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। सिर्फ क्या होंगे इसमें, 6 पैटर्न्स में जो पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, रेस्ट यानी उभारे आ जाएंगे। जैसे मान लो इसको छुआ, फिर से एक बार बता दूं, इसको टच किया और देखा कि यहाँ पे रेस्ट पॉइंट्स है, और सिर्फ एक ही रेज है, और वो भी सबसे टॉप वाले में, लेफ्ट साइड में। इस तरह के लेटर्स को हम क्या नाम देते हैं, कई नाम देते हैं, ठीक है। एक काम, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो भी 63 पैटर्न्स हैं उसको भी ऐड कर दूंगा, अगर आप पूरे लेटर्स या पूरे डिजिट्स के बारे में जानना चाहते हो तो उस वो पिक्चर्स, जो पूरा पैटर्न का जो पिक्चर है उसको भी मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, उसको भी आप देख करके समझ पाओगे, आप भी समझ पाओगे कि कौन से लेटर्स या कौन से डिजिट्स किस तरह के होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही मजेदार जो हमारा Part-5 था, इसमें बस इतना ही, और आगे भी हम और अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।